नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर और एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ अभी अभी आई है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं उत्तराखंड अधीनश सेवा चयन आयोग की तरफ से एल की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है जी हाँ आप लोग इसके बारे में काफ़ी समय लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि परीक्षा जल्दी होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए तो आज आयोग ने इसके ऊपर अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है और क्या यहाँ पे लिखा गया है इस विज्ञप्ति में इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो तेरह अक्टूबर दो हज़ार बीस को जो ये विज्ञप्ति निकली है एल टी की उसमें जो परीक्षा का अनुमानित समय अप्रैल 2021 अवगत कराया गया था और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो नए आवेदक हैं उन्हें भी आवेदन का अवसर दिया जा चुका है और माननीय न्यायालय ने एक जो एस एल पी जो दा, जो दायर की गई थी राजस्थानी व अन्य के द्वारा तो उसमें भी कोर्ट ने आदेश दिए थे कि तीन चार महीने के अंदर इस भर्ती को आप पूर्ण कर दें तो इसलिए आयोग ने यहाँ पर पच्चीस अप्रैल की तिथि को निश्चित कर लिया है और जो यहाँ पे एल सहायक अध्यापक एल के जो रिक्त पद भरे जाने हैं उसका परीक्षा कार्यक्रम इस तरीके से है आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 अप्रैल 2021 को रविवार को ये परीक्षा है दो पालियों में ये परीक्षा होगी एक प्रातः दस बजे से बारह बजे पहली पाली और अपराह्न दो बजे से चार बजे तक द्वितीय पाली में और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे नोट भी दिया गया है कि ये परीक्षा जो है ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी और इसका जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द ये जारी हो जाएंगे तो ये परीक्षा के बारे में था इसके अलावा यहाँ पे लिखित में भी इन्होंने अपने रिटर्न में दिया हुआ है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मानक के अनुपालन की दृष्टि से कुछ विषय प्रथम पाली में और शेष विषय की जो परीक्षा होगी वो द्वितीय पाली में होगी तो आपकी किस पाली में होती है आपके विषय पर डिपेंड करेगा जो कि जल्द ही एडमिट कार्ड से आपको पता चल जाएगा तो ये विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है संतोष बडोनी जो कि सचिव हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और पच्चीस तारीख को अब आपकी परीक्षा है तो जो लोग इस उहापोह हो में थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी उन्हें अपनी तैयारियां प्रारंभ कर लेनी चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ अपने विषय के ऊपर भी आप लोग अब तैयारी करना प्रारंभ कर दें मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें